हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर से। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इवन के प्रयोग सीखेंगे, जिसका अर्थ होता है भी, तक, यहां तक की। ऐसे शब्दों के लिए हम इसका प्रयोग सीखते हैं। लेकिन इवन का प्रयोग सबसे पहले सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों में ही किया जाता है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंसों में। और जो आगे हमने बताया है कि तक या फिर यहाँ तक के लिए हम आगे की वीडियो में देखेंगे, आज हम सिर्फ भी के लिए इसमें इवन का प्रयोग देखेंगे। सबसे पहला रूल है कि इवन का प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही किया जाता है, बीच में नहीं किया जाता। अगर आप बीच में इसका प्रयोग करते हैं तो उसका सेंस यानी कि अर्थ बदल जाता है। दूसरा, इवन का प्रयोग भी के अर्थ के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में कभी नहीं किया जाता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला सेंटेंस देखते हैं, आप भी खूबसूरत हो। इस सेंटेंस में भी के लिए हमने सबसे पहले इवन लगाया। फिर जो सिंपल सेंटेंस है, यू आर ब्यूटिफुल। दूसरा सेंटेंस, वह भी खूबसूरत है, इवन सी इज ब्यूटिफुल। मैं भी अच्छा हूँ, इवन आई एम गुड। हम भी गरीब हैं, इवन वी आर पुअर। वे भी अमीर हैं, इवन दे आर रिच। इन सभी सेंटेंसों में एक बात समझने वाली कि आप भी खूबसूरत हो, इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई और भी है जो खूबसूरत है। हम भी गरीब हैं, यहाँ पर मतलब कोई और भी है जो गरीब है। इस हिसाब से इसमें भी का सेंस निकल रहा है। चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तुम भी खूबसूरत नहीं हो, नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने पहले कहा है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों में ही आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो तुम भी खूबसूरत नहीं हो, सेंटेंस में क्या बना? इवन सबसे पहले लगाया गया। इवन यू आर नॉट ब्यूटिफुल, वह भी खूबसूरत नहीं है। इवन सी इज नॉट ब्यूटिफुल, मैं भी अमीर नहीं हूँ। इवन आई एम नॉट रिच, वे भी गरीब नहीं हैं। इवन दे आर नॉट पुअर, हम भी अच्छे नहीं हैं। इवन वी आर नॉट गुड। तो आप इन दोनों तरीकों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इवन का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है स्टार्टिंग में। मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में इवन को लिखा जाता है, तब उसका अर्थ भी निकलता है। इसी तरह से अब आगे भी हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, लेकिन आप इन सेंटेंसों को और भी अपनी तरफ से अपनी नोटबुक पर अभ्यास कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपको और अच्छी तरह से ये सेंटेंस समझ में आए। चलिए अब इन सेंटेंसों को देखिए। वह भी अच्छा खाना खाता है, इवन ही ईट्स गुड फूड। आप भी मेरे अच्छे अध्यापक हो, इवन यू आर माई गुड टीचर। आप भी मैगी अच्छी बनाती हो, इवन यू मेक गुड मैगी। इस तरह के सेंटेंस, मतलब टेंस के कैटेगरी के सेंटेंस आप तभी बना पाएंगे जब आपको टेंस आते होंगे। आगे देखिए, मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ, इवन आई एम गोइंग विद यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। वह भी मेरे साथ आ रहा है, इवन ही इज कमिंग विद मी। वह भी आपके साथ टहल रही है, इवन सी इज वॉकिंग विद यू। वे भी टीवी देख रहे हैं, इवन
दे आर वॉचिंग टेलीविजन। अब कुछ नेगेटिव देखते हैं। वह भी मेरे साथ अंग्रेजी का अध्ययन नहीं करेगी। इवन सी विल नॉट स्टडी इंग्लिश विद मी। हम भी तुम्हारे साथ विद्यालय नहीं जाएंगे। इवन वी विल नॉट गो टू स्कूल विद यू। आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये पहले किया जाता था, अब इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। इसलिए यदि आप विल भी लिखते हैं आई और वी के साथ तो वो गलत नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं। वे भी मुझसे बात नहीं करेंगे। इवन दे विल नॉट टॉक टू मी। राघव भी मेरे साथ मॉल नहीं जाएगा। इवन राघव विल नॉट गो टू द मॉल विद मी। गाइस, आशा करते हैं कि आपको इवन का प्रयोग समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो में है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय, टेक केयर।